गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते करते हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी पढ़ चुके थे। और जब ब्लैक बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ रहे थे, उस समय पर हमें पता चला कि लाइट जो है ना, उसके पास एक वेव नेचर तो नहीं होता, इसके अलावा कोई एक दूसरा नेचर होता है। तो इस बात की एक्सप्लेनेशन हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, दैट इज द फ्लैंक्स, और उन्होंने बताई और उन्होंने अपनी एक थ्योरी दी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों को पता चला कि वहां पर क्या होता है कि वेव नेचर के साथ साथ वहां पर पार्टिकल नेचर भी होता है लाइट का। तो क्या बताया फ्लैंक्स ने, जरा उस बात को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि कोई भी बॉडी है, वहां पर एनर्जी चाहे इमिट हो रही हो, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, वो एनर्जी डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आ गया आप लोग? डिसकंटिन्यूअस मैन का मतलब मैं बताता हूं आप लोगों को। पहले हम लोग क्या सोचते थे कि सन से, ये सन है मेरे पास, ये सन से लाइट सीधी हमारे पास ऐसे आ रही है, ऐसे मान के चलते हैं। लेकिन नहीं, फ्लैंक्स ने बोला कि ये जो लाइट है ना, ये हमारे पास एक साथ कंटिन्यूअस मैनर में ना आकर किसकी फॉर्म में आ रही है, डिसकंटिन्यूअस ऐसे आ रही है। समझ में आ गया आप लोगों को? डिसकंटिन्यूअस टूटते हुए, और ये जो डिसकंटिन्यूअस मैनर्स में और स्मॉल पैकेट्स के अंदर आ रही है, किसके अंदर आ रही है बेटा, स्मॉल पैकेट्स के अंदर, जिन पैकेट्स को उन्होंने क्वांटा कहा। क्या कहा? क्वांटा, ठीक है। लाइट के केस में पैकेट्स ऑफ एनर्जी को उन्होंने फोटोन कहा। क्या कहा? फोटोन। तो उन्होंने कहा कि कोई भी एक बॉडी है, चाहे वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रही हो, क्लियर आप लोगों को, और चाहे वो लाइट को यहां से इमिट कर रही हो, वो सारी की सारी किस में होंगी बेटा, डिसकंटिन्यूअस मैनर के अंदर होंगी, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और उन पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। और लाइट की फॉर्म में हम उन पैकेट्स को बेटा क्या बोलते हैं, फोटोन। और उन्होंने कहा कि ये जो फोटोन्स है, यह एक क्वांटा है, इसकी जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इनकी फ्रीक्वेंसी के, क्लियर आप लोगों को। तो अगर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दे, कांस्टेंट आया, दैट इज एच न्यू। एच इज नोन एज द फ्लैंक्स कांस्टेंट, फ्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू उन्होंने बताई 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, क्लियर आप लोगों को। तो ये इसकी वैल्यू बताई, तो ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये किसकी है, एक फोटोन की है, एक फोटोन मतलब एक पैकेट की एनर्जी है, क्लियर है। अगर मेरे पास ऐसे एन नंबर ऑफ पैकेट्स हो तो उनकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, क्लियर है। और मेरे पास अगर एक मोल की हो, एक मोल फोटोन्स हो, तो उनकी एनर्जी कितनी होगी, एन नॉट एच अपॉन न्यू, सॉरी एच न्यू, अरे यही होगी, बोलिए यही एनर्जी होगी ना। एन नॉट यहां पर क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर, और बेटा इसी को बोलते हैं वन आइंस्टाइन, वन आइंस्टाइन, क्लियर आप लोगों को, वन आइंस्टाइन। इतना ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वन आइंस्टाइन। नेक्स्ट, अगर अपने पास वन आइंस्टाइन की वैल्यू आई है, ई इज इक्वल टू एन नॉट इंटू एच न्यू, तो हम लोग क्या कहेंगे, E is equal to n naught, और न्यू को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, c by lambda। तो ये रिलेशन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करता है। तो फ्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये सब बातें हम लोगों को बताई। अब इन सब बातों के जरिए हम लोग बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो मैंने जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहा था, तो एक कोई भी ब्लैक बॉडी है वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट इमिटर का काम करती है, क्लियर आप लोगों को। तो ठीक उसी प्रकार से अगर यहां से जो लाइट या फोटॉन्स की जो एनर्जी, या मैं कहूं उनकी फ्रीक्वेंसी, क्लियर, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होती है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी की वेवलेंथ यहां से हम लोगों को रिलीज होती हुई दिखाई देगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी हमको यहां पर मिलेगी। और ये फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन के अंदर किस कलर के साथ मैच कर रही है, वही हमें उसका कलर दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल, हम लोग एक आयरन की रोड को हीट करते हैं, हम लोग हीट कर रहे हैं, तो यहां से भी बेटा इमिट, रेडिएशन इमिट होंगी, और उनकी फ्रीक्वेंसी निकली न्यू, और ये जो न्यू फ्रीक्वेंसी थी ये मैच कर रही थी रेड कलर के साथ। तो फर्स्टली जब आयरन गर्म होता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच होती है, रेड कलर के साथ। तो हमें वो फर्स्टली कैसा दिखाई देता है, रेड। उसके बाद फर्दर हम इसको और हीट करते
करोगे तो अब यहां से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी, और जब ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट निकलेगी तो इसका मतलब अब इसका जो ये फ्रीक्वेंसी है ये मैच कर रही है येलो कलर के साथ, तो हमें अब आफ्टर देन रेड कलर कौन सा कलर दिखाई देगा उस आयरन रोड का, येलो कलर। बट आफ्टर देन हम उसको और ज्यादा हीट कर रहे हैं तो अब जो फ्रीक्वेंसी यहां से रिलीज होगी वो क्या निकलेगी, और ज्यादा अमाउंट में फ्रीक्वेंसी निकलेगी, और वो उस फ्रीक्वेंसी का जो विजिबल विजन के अंदर मैच करेगा वो ब्लू कलर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा, और उसकी वजह से हमें एट लास्ट में आयरन रोड कैसी दिखाई देती है, ब्लू। तो ये बात हम लोगों के फ्रंक्स क्वांटम थ्योरी ने बात की, और इससे हमें पता चलता था कि वास्तव में फ्रंक्स क्वांटम थ्योरी जो बेस्ड है वहां पर लाइट के पास एक पार्टिकल नेचर है। क्लियर है आप लोगों को? दूसरा एक बात और करते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप लोगों ने क्या देखा था कि मेरे पास कोई भी एक मेटल सरफेस है, उस मेटल सरफेस के ऊपर आप लोग एक पर्टिकुलर एनर्जी की लाइट डालते हो इंसिडेंट लाइट, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कितनी होती है, हाफ एमवी स्क्वायर, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। अब बात क्या हुई पार्टिकल नेचर से कैसे पता चला, देखिए बेटा E = h nu। अब मैं मिनिमम इतनी एनर्जी की लाइट या इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट यहां पर डालूं कि इस इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के साथ वो टूट जाए, मैं तभी तो यहां से बाहर निकलेगा, यो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां से टूट जाए, और टूटने के बाद उसको क्या प्रोवाइड करे, वो कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में प्रोवाइड करे, तभी तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। और ये चीज पॉसिबल कब है, जब इस लाइट के पास कैसा नेचर होगा, पार्टिकल नेचर होगा, मींस अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगी, इलेक्ट्रॉन्स को, कि भाई तू अपना अट्रैक्शन तोड़ न्यूक्लियस के साथ, मेरी बात समझ में आई आप लोगों को, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेगा। तो ये बात भी हम लोगों को कंफर्म कर रही थी कि यहां पर जो लाइट है उस लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। सो हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ फ्रंक्स क्वांटम थ्योरी एक बात कंक्लूड की, और वो क्या बात थी, वो बात ये थी कि कोई भी लाइट हो उस लाइट के पास दो फिनोमिना होते हैं या दो नेचर होते हैं, एक उसका वेव नेचर होता है जो उसके डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस फिनोमिना को एक्सप्लेन करता है, वहीं पर लाइट का एक दूसरी फॉर्म है जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर के नाम से जानते हैं, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। सो अब हम बात करें कि लाइट के पास ना ही वेव नेचर ना ही लाइट ओनली, यहां पर दोनों नेचर होते हैं। क्लियर आप लोगों को, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल, ना ही अकेला वेव ना ही अकेला पार्टिकल, बट क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं, और उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट्स। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल से मैं आप लोगों को इसके साथ पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। सो दिस इज द फ्रंक्स क्वांटम थ्योरी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जरा देखिए इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्ट्रा की, स्पेक्ट्रा होता क्या है। क्लियर आप लोगों को, मान लो मेरे पास कोई भी एक व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट के अंदर आप लोगों को पता है सेवन कलर्स होते हैं, मेनली पता है कौन कौन से कलर होते हैं, यही सेवन कलर होते हैं। अगर मैं इस व्हाइट लाइट के अंदर से, और अच्छा दूसरी बात, ये सेवन कलर होते हैं, और हर कलर की वेवलेंथ मींस लैम्बडा की वैल्यू, या मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं सब कलर की क्या होगी, अलग अलग होगी, तो मैं इस व्हाइट लाइट के अंदर से सातों कलर्स की वेवलेंथ को या उनकी फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करना चाहता हूं। क्लियर आप लोगों को, तो इसके लिए आप लोग यहां पर किसका यूज करते हो, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो, दैट इज नोन एज द स्पेक्ट्रोग्राफ। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्पेक्ट्रोग्राफ। तो आप इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो। क्लियर आप लोगों को, व्हाइट लाइट के अंदर सेवन कलर्स प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विवियोर, इनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी को सेपरेट करने के लिए आप एक स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करते हो, और स्पेक्ट्रोग्राफ का यूज करने पर हम लोग अलग अलग कलर की वेवलेंथ की बात कर सकते हैं, कि अलग अलग कलर की वेवलेंथ कहां कहां पर क्या क्या वेवलेंथ होगी। इस पूरी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी डील्स द स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज द स्पेक्ट्रोस्कोपी। जहां पर हम लोग स्पेक्ट्रा की बात करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है बेटा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रा हमारा मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है बेटा इमिशन स्पेक्ट्रम, ध्यान से समझना, और दूसरा होता है हम लोगों का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्लियर आप लोगों को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। इमिशन स्पेक्ट्रा मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम,
कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा और दूसरा होता है बेटा हम लोगों के पास लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा। क्लियर आप लोगों को? सो ये हमारे पास कुछ स्पेक्ट्रास हैं जिनकी हम लोग बात करेंगे। क्या होता है स्पेक्ट्रा मैं बता चुका हूं, और स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट द टॉपिक इज द इमिशन स्पेक्ट्रा। किससे स्टार्ट करते बेटा हम लोग? इमिशन स्पेक्ट्रा से स्टार्ट। सो व्हाट इज इमिशन स्पेक्ट्रा? देखिए बेटा जरा समझ ली, मैं क्या करता हूं, कोई भी एक सोर्स ऑफ लाइट लेता हूं जो लाइट को इमिट करता है। अब ये सोर्स ऑफ जो लाइट है ये अपने पास कोई भी हो सकता है, मे बी सन हो सकता है, मे बी हम लोग क्या कर सकते हैं किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, ध्यान से सुनना, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पढ़ चुके हम लोग, लो प्रेशर पर अगर हाई वोल्टेज करंट देते हैं तो वो भी क्या प्रोड्यूस करती है, लाइट प्रोड्यूस करती है। और तीसरा हम लोग किसी भी चीज को हीट बर्न करते हैं, क्या करते हैं, जलाते हैं, तो वो भी क्या करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। क्लियर आप लोगों को? तो इन सब को सोर्स ऑफ लाइट से एक लाइट प्रोड्यूस होगी, उस लाइट को हम लोग कहां पर डालेंगे बेटा, प्रिज्म के ऊपर डालेंगे। किसके ऊपर डालेंगे बेटा बोलिए, प्रिज्म के ऊपर। और जैसे हम लोग प्रिज्म के ऊपर डालते हैं तो कुछ रेडिएशन हम लोग रिसीव करते हैं किसके ऊपर बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। इसके ऊपर बेटा फोटोग्राफिक प्लेट, एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसके ऊपर हम लोग करते हैं, तो वहां पर हम लोगों को सेवन कलर्स की इस प्रकार से लाइट दिखाई देती है, और उन लाइट्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इमिशन स्पेक्ट्रा। तो इस प्रकार का एक स्पेक्ट्रा दिखाई देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा। अब इस स्पेक्ट्रा की खासियत क्या है जरा देखिए, आप लोगों ने कभी रेनबो देखा है? और रेनबो के अंदर भी कितने कलर होते हैं बेटा, सेवन कलर्स होते हैं, और सारे कलर आपस में मर्ज होते हैं। मींस आप लोग ये बात उसके अंदर बिल्कुल नहीं बता सकते कि कौन सा कलर कहां पर खत्म हो रहा है और कहां से शुरू हो रहा है। मींस आपस में सारे कलर क्या होते हैं, वहां पर मर्ज होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इस इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर सारे कलर आपस में ये क्या होंगे, सातों के सातों कलर मिक्स होंगे, मर्ज होंगे एक दूसरे के साथ। और हम लोगों को पता है इस बात का कि यहां पर देखिए, अभी सातों के देखो यहां पर एक लाइट डाली थी, लेकिन यहां पर सेवन कलर्स की लाइट हम लोगों ने रिसीव कर ली अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर, लैम्बडा के ऊपर। समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आई ना ये बात? तो ठीक ये सारे कलर्स आपस में क्या हो रखे हैं, मर्ज हो रखे हैं, मर्ज हो रखे हैं। तो इसी जब ये सारे कलर्स मर्ज होते हैं तो इमिशन स्पेक्ट्रा को हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्लियर आप लोगों को? क्या बोलते हैं बेटा इसको, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्लियर आप लोगों को? दूसरी अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं सोडियम क्लोराइड को लेता हूं और उसको बेटा बंसन फ्लेम के ऊपर बर्न करता हूं, क्या करता हूं बेटा, बर्न करता हूं, हीट करता हूं, जलाता हूं, तो लाइट प्रोड्यूस करेगा। वो लाइट बेटा हम लोग कहां पर डालेंगे, प्रिज्म के ऊपर डालेंगे। और जैसे हम लोग उसको प्रिज्म के ऊपर डालते हैं, हम लोगों को दो लाइंस दिखाई देती हैं किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, ऐसे दो लाइंस दिखाई देंगी, बाकी सब कुछ डार्क दिखाई देगा, सिर्फ दो लाइट दिखाई देंगी येलो कलर की, येलो कलर की हम लोगों को दो लाइंस दिखाई देती हैं। और उनकी जो वेवलेंथ है मैं बता देता हूं आप लोगों को, 5896 angstrom और 5890 angstrom, इन दो वेवलेंथ के ऊपर हम लोगों को दो येलो कलर की लाइन दिखाई देती है। तो लाइंस का दिखना ही पूरा स्पेक्ट्रा हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा, ओनली लाइन दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअली एक सिंगल लाइंस यहां पर दो लाइंस के अंदर कन्वर्ट हो रही, तो इमिशन तो हो ही रहा है, लेकिन वो भले ही यहां पर साथ में हो रही थी लेकिन यहां पर दो में हुई, तो इमिशन तो हो ही रहा है, लेकिन यहां पर क्या हो रही है, दो लाइंस दिखाई दे रही है स्पेक्ट्रा के अंदर। वहां पर कलर आपस में क्या हो रहे थे, मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, यहां पर लाइन स्पेक्ट्रा। अब वाई येलो कलर की लाइन हम लोगों को दिखाई दी, क्योंकि सोडियम बेटा प्रोड्यूस करता है, कौन से कलर की लाइंस को प्रोड्यूस करता है यहां पर, या जो होगा वो कौन से कलर की लाइंस को प्रोड्यूस करेगा, येलो कलर की, उसके पास सेवन कलर्स की लाइट्स नहीं होती है। क्लियर आप लोगों को? सोडियम लैंप भी आपने सुना होगा येलो कलर की लाइट शो करते हैं, तो सोडियम का मेन रीजन क्या है कि वो इमिट करता है, इमिट करता है किस, कौन से कलर की रेडिएशंस को, येलो कलर की रेडिएशंस को। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा। नाउ वी आर डिस्कसिंग एन अनदर एग्जांपल एंड दैट इज द एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जरा देखिए एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को क्या होता है, एडसॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
दूसरा बेटा लाइन जो स्पेक्ट्रा होता है ना, तो लाइन स्पेक्ट्रा को हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। और रीजन क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रा के पीछे, जरा ध्यान से सुनिए, कि जब भी कोई एटम होता है आप उसको हीट देते हो, एनर्जी देते हो, तो वो एनर्जी को गेन करता है, लेता है, और एनर्जी को गेन करने के बाद वो डिफरेंट डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर चला जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट क्या बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट्स के अंदर चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोई भी चीज ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती, तो वापिस वो क्या आएंगे, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में आएंगे। हम समझेंगे जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है। तो आते हैं, तो उस समय बेटा वो लाइट को इमिट करते हैं, समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस वजह से जब लाइट इमिट कर रही है तो उनकी कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है उन लाइट्स की, तो इस वजह से हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा को एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास टॉपिक है, दैट इज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा? मान लो मेरे पास कोई भी एक व्हाइट लाइट है, क्लियर है, ये किसी भी सोर्स से मैं जनरेट कर सकता हूं। इस लाइट को मैंने डायरेक्ट प्रिज्म के ऊपर नहीं लगाया, बट मैंने एक सॉल्यूशन बनाया NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, उसके अंदर से इस व्हाइट लाइट को पास किया, तो व्हाइट लाइट यहां से निकली, और निकलने के बाद मैंने उसको कहां पर अटैक करवाया, प्रिज्म के ऊपर। और जैसे ही मैं उसको प्रिज्म के ऊपर अट्रैक करवाता हूं, तो मेरे पास कुछ रीजंस बनते हैं, और जो रिसीव करता हूं मैं जिनको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, इस प्रकार से 7 कलर्स अब्सॉर्ब ना होकर अगली बार मुझे 6 कलर अब्सॉर्ब दिखाई हो, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट पर दिखाई देते हैं, हर कलर की वेवलेंथ मुझे यहां पर दिखाई देती है, और जो येलो कलर जहां पर आना था वहां पर मुझे बिल्कुल डार्क दिखाई देती है, डार्क लाइन से दिखाई देती है। मतलब जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर मुझे येलो कलर दिखाई देना था वहां पर बिल्कुल डार्क लाइंस दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों भाई? तो यहां पर क्या हुआ कि जैसे व्हाइट लाइट मैंने कहां डाली, इस सॉल्यूशन के अंदर डाली, इसने क्या किया, येलो कलर की लाइट को, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया। और जब येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो आगे जो लाइट्स गई उसके अंदर येलो कलर की वेवलेंथ तो नहीं थी ना, तो वो जो मैं फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिसीव करता हूं तो वहां पर मुझे येलो कलर की वेवलेंथ जहां पर होनी चाहिए थी, जो रीजन था येलो कलर का, वहां पर मुझे डार्क लाइंस दिखाई देती हैं। तो रीजन क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन ने उस कलर की लाइट को क्या कर लिया बेटा, एब्जॉर्ब कर लिया, क्लियर है। और ये जो स्पेक्ट्रा आप लोगों को दिखाई देगा, इस स्पेक्ट्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कौन सा स्पेक्ट्रा बोलेंगे बेटा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। आप लोगों की बुक के अंदर डिफरेंस दिए हुए हैं इमिशन स्पेक्ट्रा वर्सेस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बीच में, आप लोगों को वो डिस्कस को डिफरेंस पढ़ने आप अच्छे ढंग से। सो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ओके, तब तक गुड बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।